नमस्कार, वन इंडिया हिंदी में आपका स्वागत है। मैं हूं शिखा थोरिया। अफगानिस्तान को लेकर गुरुवार को भारत सरकार के द्वारा सर्वदलीय बैठक बुलाई गई थी। इस मीटिंग में कई राजनीतिक दलों के फ्लोर लीडर्स ने हिस्सा लिया। सरकार ने अफगानिस्तान की स्थिति और भारत के रेस्क्यू ऑपरेशन की जानकारी दी है। तालिबान के द्वारा अफगानिस्तान पर कब्जा करने की पृष्ठभूमि में विदेश मंत्री एस जयशंकर ने राजनीतिक दलों के नेताओं को ताज़ा हालात और भारतीयों के बारे में अवगत करवाया। सूत्रों के मुताबिक सरकार ने बताया कि वो अभी वेट एंड वॉच के मोड में है, लेकिन मुख्य फोकस लोगों को वहां से निकालने पर है। जानकारी के मुताबिक विदेश मंत्री एस जयशंकर ने बैठक में कहा कि अफगानिस्तान में हालात ठीक नहीं है, हम अपने लोगों को निकालने में जुटे हैं। साथ ही उन्होंने ये भी कहा कि दोहा में जो तालिबान ने वादे किए थे वो उस पर खरा नहीं उतरा है। आपको बता दें, एस जयशंकर ने दोहा में अमेरिका तालिबान के बीच हुए समझौते का जिक्र किया है। वही विदेश सचिव हर्ष श्रृंगला ने भी इस बैठक में प्रेजेंटेशन दिया है। सरकार की तरफ से बताया गया है कि अफगानिस्तान में भारत सरकार की हेल्प डेस्क पर करीब 15,000 लोगों ने संपर्क किया है। पूरी दुनिया अभी तालिबान को लेकर वेट एंड वॉच की पॉलिसी अपना रही है, भारत भी अभी इसी मोड में है। जानकारी के मुताबिक सभी राजनीतिक दलों ने अफगानिस्तान से भारतीयों को निकाले जाने के प्रयासों की तारीफ की है। गौरतलब है कि इस बैठक में विदेश मंत्री एस जयशंकर, संसदीय मंत्री प्रहलाद जोशी, पीयूष गोयल समेत सरकार की तरफ से अन्य लोग शामिल हुए, जबकि विपक्ष की तरफ से शरद पवार, मल्लिकार्जुन खड़गे, अधीर रंजन चौधरी जैसे नेता और अन्य राजनीतिक दलों के सदस्यों ने मीटिंग में हिस्सा लिया। भारत की तरफ से लगातार लोगों को निकालने की कोशिश की जा रही है। भारत पहले ही अपने दूतावास के लोगों को निकाल चुका है, अब वहां फंसे भारतीयों को निकालने पर फोकस है। इसके अलावा अफगानिस्तान में रहने वाले हिंदू और सिखों को भी भारत लाया जा रहा है। इस खबर में फिलहाल इतना ही। तमाम अपडेट्स के लिए आप बने रहिए वन इंडिया हिंदी के साथ।